प्रेस ब्रीफिंग दी है आपने, किस चीज के बारे में दी है, क्या इसका एजेंडा क्या है? देखिए, हेमंत ने बड़े शोर शराबे के साथ ट्विटर पे चौपाल का आयोजन किया था और ये विशुद्ध रूप से एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था। ट्विटर में पैसे देकर इस कार्यक्रम को कराया जाता है, लेकिन उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की जैसे ट्विटर ने उन्हें इन्वाइट किया है और ये पूरे तरीके से प्रायोजित था। अगर ट्विटर में 500 प्रश्न हेमंत से किए गए तो उसमें से 400 उनके खिलाफ थे, लेकिन कुणाल सारंगी बैठकर संचालक की भूमिका में थे, वो सिर्फ हेमंत के मन चाहे प्रश्नों को ले रहे थे। और आज के जो ट्विटर के चौपाल की जो सबसे शर्मनाक बात थी कि हेमंत ने महागठबंधन के अपने घटक दलों झारखंड विकास मोर्चा, कांग्रेस, राजद को कंकड़ पत्थर की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए कंकड़ पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है। तो अब इनकी राजनीतिक हैसियत कंकड़ पत्थर जैसी है इनके महागठबंधन के सहयोगियों की, तो इन्हें खुद सोचना चाहिए कि हेमंत इनके बारे में क्या नजरिया रखते हैं। और हम इसे तो बड़ा शर्मनाक मानते हैं कि अपने सहयोगियों को कोई कंकड़ और पत्थर से तुलना करे। जी, तो इसे आपके जो पार्टी है इसे इस चीज को क्या किस रूप में आप देख रहे हैं? ये उनकी औकात बताता है कि वो अपने सहयोगी दलों के बारे में क्या सोचते हैं। कीड़े मकोड़े, कंकड़ पत्थर, ऐसे आप संज्ञाएं सुनते हैं ऐसी चीजों के लिए जिसका कोई महत्व नहीं होता। तो हेमंत ने एक तरीके से कंकड़ पत्थर बता दिया अपने सहयोगी दलों को। और जो इनकी आज की चौपाल थी उसका इन्होंने इलेक्शन कमीशन से विधिवत परमिशन नहीं लिया था, तो हमने फॉर्मल कंप्लेन भी किया इलेक्शन कमीशन में कि विशुद्ध रूप से चुनाव से जुड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो उन्होंने क्या कहा? वो देखेंगे, वो इसकी जांच करेंगे। जी।